सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। आज के वीडियो में हम एक आपदा के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है भूकंप। यह एक ऐसी आपदा है जो व्यक्ति को एकदम ठहरा देती है, व्यक्ति इसका नाम सुनकर ही सिहर जाता है। और हमें इसलिए समझना है क्योंकि अगर आज और कल का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपको पता चला होगा उत्तराखंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चाइना और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अगर इन दो दिनों से छोड़कर आप थोड़ा एक महीने पीछे की न्यूज़पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हिमालय से लगे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो भारत के हों, चाइना के हों या फिर अन्य देशों के हैं, यहां पर भूकंप की जो तीव्रता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ती जा रही है। तीव्रता का मतलब यह है कि पहले जहां पर भूकंप बहुत निम्न गति के आते थे, जिनको बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया जाता था, अब उनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी, पहले जहां महीने में एक दो बार भूकंप आया करते थे, अब वहां पर दर्जनों भूकंप आ रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि आखिर ये जो हिमालय क्षेत्र है इसमें आजकल इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, ये किस चीज के इंडिकेटर है। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द समझिए, भूकंप। भूकंप का मतलब हो क्या है, पृथ्वी में होने वाला कंपन। जैसे कि हम और आप सभी बैठे हैं, अभी क्या होने लगे, जिस चीज पर हम बैठे हैं वो हिलने लगे, ऊपर का पंखा हिलने लगे, तो आप कहेंगे भूकंप आया। अर्थात पृथ्वी की सतह में क्या हुआ है, कंपन हुआ है। अब ये जो पृथ्वी की सतह में कंपन हुआ, इसको क्या हम लोगों ने हथौड़े से पीटकर कंपन महसूस किया, नहीं। ये दरअसल क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन चलते रहते हैं। जैसे कि पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, पृथ्वी के अंदर जो है कि मैग्मा कई बार ज्यादा बन जाता है, वो निकलने का प्रयास कर रहा होता है। कुल मिलाकर जो इसकी एनर्जी होती है उसका संबंध समांतर पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे होता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उससे एक ऊर्जा मुक्त होती है। कैसे ऊर्जा मुक्त होगी, इसको आसान तौर शब्दों में समझिए। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर किसी चीज को फेंकते हैं, जैसे कि आप क्या हुए, एक तालाब के किनारे बैठे हैं, आपका मन ठीक नहीं है, उदास है। उदास वो कई कारणों से हो सकते हैं, दोस्ती, मित्रता, पारिवारिक या करियर के तनाव। पानी के किनारे बैठे हुए आपने क्या किया, एक पत्थर लिया और ठहरे हुए पानी में आपने क्या किया, पत्थर फेंक दिया। अब देखिए, जहां पत्थर आपने फेंका वहां पर गिरा, वहां पर क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वहां से देखेंगे आप गोल गोल पानी की तरंगे उत्पन्न होती है। और ये जो तरंगे उत्पन्न हुई इसके लिए आपने एनर्जी के रूप में क्या किया था, पत्थर फेंका था। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, कई तरह के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा जब पृथ्वी के सतह पर आती है और जो हमें और आपको महसूस होती है, तो इसको कहते हैं भूकंप। अब ये जो भूकंप होता है उसमें भी कुछ तरंगे होती हैं। जैसे कि सबसे पहले जहां भूकंप आता है, पृथ्वी का वह भाग जहां पर भूकंपीय तरंगे नीचे से आकर सबसे पहले झटका मारती हैं, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी भूकंप आता है तो लोग कहते हैं इसका एपिसेंटर कहाँ है। एपिसेंटर इसलिए पता कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहला स्थान है जहां पर झटका लगा। अब एपिसेंटर को और समझिए कैसे, आपके पास एक कॉपी होगी या जो चीज भी है उसको ऊपर उठाइए, नीचे से जो पेन है, कलम है आपके हाथ में, उससे एक उसकी नीब से, उसका जो आगे वाला भाग है जिससे आप लिखते हैं, उससे झटका मारिए। तो देखिए, सबसे पहले आप जहां पर झटका मारेंगे वह स्थान क्या है, आपका एपिसेंटर है, इसी को कहते हैं एपिसेंटर। अब जो ये एपिसेंटर है, ये क्या होता है, पृथ्वी के सतह वाला भाग है, लेकिन जो ऊर्जा है वो तो अंदर से उत्पन्न हुई ना, तो वह स्थान जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं फोकस। आप देख सकते हैं कि एपिसेंटर से जस्ट नीचे क्या होता है, फोकस होता है। और यह फोकस वाला कौन सा स्थान है, जहां से ऊर्जा उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न हुए, ऊपर की ओर बढ़े। जैसे कि आपने जो अपना जो है कि जहां तालाब के किनारे जब बैठे हुए थे, आपने जहां पत्थर फेंका वहां पर जो वहीं से तरंगे जब उत्पन्न हो रही हैं, तो पत्थर जहां पर गिरा है वो स्थान क्या है, फोकस। और जो तरंग सबसे पहले किनारे पर, अर्थात पानी की जो सतह है, वहां से जब लहरें उत्पन्न होंगी, जो किनारे पर सबसे पहली लहर पहुंचेगी वह स्थान क्या होगा, एपिसेंटर।
तो एपी सेंटर और फोकस को आप समझ गए। फोकस से एपी सेंटर तक भूकंपीय जो ऊर्जा होती है यह तरंगों के रूप में आती है, इसी को कहते हैं आप भूकंपीय तरंगे। स्वाभाविक है ऊर्जा को कैरी करने के लिए क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। अब होता क्या है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं जब इसमें एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है तो तीव्र गति से क्या होती है यह तरंगे सतह तक पहुंच जाती हैं अर्थात एपी सेंटर पर पहुंच जाती हैं। कैसे, फिर से इसको समझिए कि आपने अभी छोटा सा पत्थर फेंका था, अब आप क्या करिए एक बड़ा सा ईंट उठा के गुस्से में तेज गति से उसी पानी में वही पत्थर जहां आपने फेंका था वहां फेंकिए। देखिए पानी क्या होगा, उछल जाएगा, उससे जो लहरें होंगी तेजी से क्या होंगी चारों तरफ बिखर जाएंगी। तो यही क्या है आपका जो है कि भूकंपी तरंगों की एनर्जी होती है। अब जैसे क्या होता है कि एपिसेंटर जो होता है वह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जैसे जैसे एपिसेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी जो भूकंप का प्रभाव वह कम होता जाएगा। तो भूकंप कहां पर ज्यादा आएगा, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई कॉपी हो या जो भी चीज हो आप पेन से झटका मारे, स्वाभाविक है आपने जहां पर झटका मारा है वहां पर क्या होगा ज्यादा जो है कि कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और जहां पर आपने झटका जो उससे जो स्थान दूर होंगे वहां पर झटका कम महसूस होगा। व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं, बाइक चलाइए और तेजी से लेकर जाइए और सामने बहुत लंबी दीवार हो उस पर ले जाकर आप क्या करना है आपको एकदम बिल्कुल उसके जो है कि 90 डिग्री के एंगल पर उसे टकराना, तो आप देखेंगे जहां पर आपने बाइक से जो है कि दीवार पर टक्कर मारी हो सकता है आप दीवार तोड़कर आप दूसरे तरफ चले जाएं लेकिन पूरी दीवार नहीं गिरेगी। कारण क्या है पता, कारण यह है कि जहां पर आपने झटका मारा वहां पर एनर्जी ज्यादा थी लेकिन पूरे दीवार में कुछ दूर तक वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, दीवार नहीं गिरेगी। ठीक यही बात एपिसेंटर में चूंकि एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसलिए नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एपिसेंटर से दूरी बढ़ती जाती है वहां पर पता भी नहीं चलता भूकंप आया है, जैसे कि मैंने दीवार के संदर्भ में आपको समझाया। अब जो भूकंप मूल होता है अगर वो ज्यादा गहराई में हो, जैसे कि हम कहें कि आपको क्या करना है 1 किलोमीटर दूर जाकर और क्या करना है 5 किलो का कोई सामान लेकर जाना है और किसी व्यक्ति के ऊपर फेंक देना, ठीक है, हिंसा करनी है मान लेते हैं आपको। अब आपको क्या करना है 1 किलोमीटर दूर चल के जाना, 5 किलो सामान कोई लेके कैरी करके जाना, दूसरे के ऊपर फेंकना। अब मैं कहूं कि आपको क्या करना है 20 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर 5 केजी का सामान लेकर जाना। अब 20 किलोमीटर दूर 5 केजी का सामान लेकर अगर आप चलेंगे तो आपको ही उठा के लेके जाना पड़ेगा, आप फेंकने की कंडीशन में तो नहीं पहुंच पाए। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही दूरी बढ़ी आपकी ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। 1 किलोमीटर दूर जाने पर हो सकता है आप जाके फेंक देते और सामने वाला व्यक्ति जो है कि हो सकता है उसको ज्यादा भी लग सकती थी, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से अगर आप आएंगे तो यह संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी में अगर 700 से 800 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो सतह तक आते आते वो छिड़ हो जाती हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब जो भूकंप के कारण है वो तो आपको पता है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें समझना है जो भूकंप आ रहे हैं उसको, तो उसी संदर्भ में पूरी चीजों को हम समझेंगे। तो भारत में आपको पता है कि भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं और भारत में अगर आपने 2001 का भूकंप सुना हो, उसके अलावा अभी कुछ समय पहले नेपाल में आया था और यहाँ नेपाल में जब आया तो भारत के जो वहां से लगा हुआ क्षेत्र था उसमें तबाही हुई थी। तो भूकंप भारत में काफी ज्यादा आते रहते हैं और भारत जो है कि भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी संवेदनशील है, जैसा कि अभी देखा आपने कि आजकल के न्यूज़पेपर में जो है कि भूकंप की घटनाएं पढ़ी हुई आपने। तो भारत में जो भूकंप है उसके इतिहास को देखते हुए भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। अब जो 4 जोन 4 कौन से हैं, सेकेंड जो, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन। तो जो जोन 5 है वो सर्वाधिक संवेदनशील है और सर्वाधिक संवेदनशील कौन सा क्षेत्र है, इसके अंतर आता है पूर्वोत्तर भारत, अर्थात जो आप जो है कि ईस्टर्न स्टेट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का राज्य देखते हैं जिसमें आप अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, असम को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए, नागालैंड को ले लीजिए, त्रिपुरा को ले लीजिए, ये सभी जो राज्य हैं ये पूर्वोत्तर भारत के हैं। तो ये जो है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वाले राज्यों में आते हैं, अर्थात 5 जोन 5 ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, उत्तर वाला जो बिहार वाला क्षेत्र, अंडमान निकोबार। इससे थोड़ा सा कम जो संवेदनशील क्षेत्र है जोन 4 है। जोन 4 और जोन 5 जो है कि दोनों काफी महत्वपूर्ण है। तो जोन 4 में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो जोन 5 में नहीं आता वो जोन 4 में आ जाता है। दिल्ली वाला क्षेत्र, सिक्किम वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तर वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र वह आते हैं। तो यह आपने देखे, यह जो आपको क्या पता चला जोन 5 और जोन 4 का संबंध किससे है, हिमालय और उसके समीप
समीपवर्ती क्षेत्रों से। अब प्रश्न आएगा कि आखिर इसमें भूकंप आते क्यों हैं ज़्यादा, तो अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्या थ्योरी है, उस पर हमें नहीं बात करना है। यहाँ पर देखिए तीन इमेज है। अब जो इसमें लिखा है ना कन्वर्जेंट, अर्थात जो ऊपर देखिए एक लिखा हुआ है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट, तो जिसमें देखिए दो तीर एक तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको बोला जाता है ज्योग्राफी के संदर्भ में प्लेट बोला जाता है। प्लेट को कैसे समझिए, आपके पास दो मोबाइल हैं, दोनों को एक दूसरे की ओर लेकर आइए, दोनों को टकराइए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि दो टुकड़े हैं इनको प्लेट बोल रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब जब आप टकराएंगे तो क्या होगा, जब टक्कर होगी तो भूकंप तो आना ही आना। अब इसको और एक रूप में समझिए कि जो प्लेट हैं, जब क्या होते हैं प्लेटें सभी एक ही वजन की तो है नहीं, जैसे आपके पास जो मोबाइल है उसमें कोई भारी होगा कोई हल्का होगा, तो क्या होता है जब दो चीज़ें टकराती हैं तो जो भारी होती है वो क्या होती है नीचे की ओर बैठती है, हल्की चीज़ को ऊपर उठा देती है। जैसा कि आपने देखा होगा दो बैल जब लड़ते हैं तो जो भारी वाला बैल होता है वो हल्के वाले बैल को अपने क्या करता है सींग से उठाकर फेंकने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह से देखिए कि आप एक तरफ क्या कर लीजिए, एक जो है कि बहुत बड़ा जो है कि ट्रक सामने रखिए, दूसरी तरफ नैनो को लाकर आप तेजी से टकराइए, नैनो उछलकर ऊपर हो जाएगी। कारण क्या है, हल्की है, ट्रक वहीं पर रहेगा। तो यही क्या होता है, इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। अब इसको इस रूप में भी देख लीजिए कि देखिए यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब क्या होता है, उसी में से जो भारी प्लेट होती है, जो बड़ी प्लेट होती है, वो नीचे जाकर सबडक्ट होती है, छेपित होती है। आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे, बाकी चीजें मैं आगे समझाने वाला हूं। अब देखिए हुआ क्या था कि पहले जो हमारा आज को हम देखते हैं ना जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, पहले ऐसे नहीं थे। आप इसको इस रूप में देखिए, यहां पर देखिए मैं आपको इंडिया जूम करके दिखा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे अंटार्कटिका से लगा हुआ आपको इंडिया वाला क्षेत्र था, लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है, आज से की बात नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सभी चीजें जो ऊपर थे, ये जो कॉन्टिनेंट थे, ये जो जुड़े हुए थे, ये टूटने लगे, और देखिए टूटते टूटते कुछ इस रूप में आ गए। अभी भी देखिए जो आपका नीचे लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड, इसी में अंटार्कटिका है, और अफ्रीका के पास वाला देखिए एक तिकोना लगा हुआ निकला हुआ एक टुकड़ा है, यही इंडिया है, और यही इंडिया फिर आगे चलकर इस रूप में नजर आता है पर्जेंटेन के रूप में। तो इस तरह से जो इंडिया है वो पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, तो अब ये जो इंडिया है इसको हम मानते हैं एक टुकड़ा एक प्लेट, जैसे कि आपने मोबाइल लिया था। अब इस मोबाइल के को क्या कर रहे हैं, लेकर हम बढ़े तो किस डायरेक्शन में बढ़े, देखिए मोबाइल को अफ्रीका से हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते हमारा जो मोबाइल के रूप में मान लेते हैं इंडिया है, यहां पर आ गया है। जब यहां पर आ रहा था ना तो बीच में क्या हुआ, देखिए जहाँ पे इंडिया की जो बाउंड्री बनी हुई ना ऊपर एशिया लिखा हुआ बाउंड्री बनी है, यहाँ पे पहले क्या हुआ था एक सागर था, तेथिस सागर था, इसमें क्या होता था मलबा इकट्ठा होता था। अब आप खुद समझिए कि आप क्या करिए, दो मोबाइल जो आपके पास है उनको रखिए और दोनों मोबाइलों को आगे लाइए, बीच में क्या रख दीजिए, सूजी का हलवा रख दीजिए। अब सूजी के हलवे पर क्या होगा, जब दोनों मोबाइल का दबाव पड़ेगा तो सूजी का हलवा क्या होगा, वह फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होकर ऊपर उठ जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय पर्वत बन गया, अर्थात पहले यहां पर जो है कि जो औसाद था उसी औसाद पर दोनों तरफ से जब प्लेटों का दबाव पड़ा तो इन प्लेटों के दबाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन मैंने आपसे एक चीज और कहा था कि जो प्लेट भारी होती है वह क्या होती है, नीचे सबडक्ट होती है। तो इंडिया वाली जो प्लेट थी ना वह सामने वाली जब प्लेट से टकराई, वह सामने वाली प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, उससे टकराई तो इंडिया वाली प्लेट क्या हो गई, यूरेशिया वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई, छेपित हो गई। सबडक्ट होना छेपित होने का मतलब है नीचे चली गई, जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल देकर आपको बताया। अब जब ये प्लेट छेपित होकर चली गई तो प्लेट जब जैसे जैसे नीचे जा रही है, नीचे क्या हो रहा है, मैग्मा बन रहा है, लावा बन रहा है, क्योंकि पृथ्वी में आपको पता है कि लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई पर क्या है, एक जो है कि ऐसा चैम्बर है जहां पर मैग्मा बनता है, उसको आप मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। तो उस गहराई पर वो जब प्लेट जाके गल रही है तो उससे क्या हो रहा है, मैग्मा बन रहा है, और ये जो मैग्मा गला हुआ पदार्थ है निकलने का प्रयास करता है और इसी के वजह क्या आता है, भूकंप आता है। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट के रूप में समझते हैं। तो हमने कहा कि चूंकि अभी हिमालय जो है वह अभी भी ऊपर उठ रहा है, अर्थात दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, जैसा कि आपने मोबाइल दोनों तरफ से लेके आ रहे थे, सूजी के हलवा पे आपने जो है कि दबाव डाला, तो अब क्या हो रहा है, जो सूजी का हलवा है वह उस पर और दबाव दोनों तरफ से पड़ रहा है तो ऊपर की ओर उठ रहा है। जब भी कोई भाग ऊपर की ओर उठता है तो वहां पर क्या होता है, स्थिरता नहीं होती, और स्थिरता ना होने की वजह से वहां पर भूकंप आते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी यहाँ पर जो है कि निर्माण हो रहा है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आज जहाँ पे हिमालय वहाँ कभी तेथी सागर हुआ करता था, लंबे समय तक यहाँ पर अवसाद एकत्रित होते रहे। इन्हीं अवसादों पर क्या हुआ, धीरे धीरे दबाव बढ़ने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय अभी भी क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में गतिशील है और यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रहा है, और सबडक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, हिमालय में के नीचे हिमालय का जो नीचे वाला भाग है जहाँ पर प्लेट नीचे जाकर गल रही है, वहाँ पर मैग्मा का निर्माण हो रहा है। और चूंकि पृथ्वी अंदर जो मैग्मा ज्यादा बनेगा तो वह निकलने का तो प्रयास करेगा, जैसे कि आपने देखा है कि जब किसी भी चीज का निर्माण ज्यादा होता है तो मैग्मा क्या है, गला हुआ पदार्थ। तो पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई उसका वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा, क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा, तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बन रहा है उसको निकलने का प्रयास करता है, इसके वजह से भूकंप आ रहे हैं। दूसरा है कि हिमालय जो हिमालय में क्या हो रहा है, नए भ्रंश का निर्माण हो रहा है। भ्रंश का मतलब होता है कि दरारों का निर्माण, तो यह महसूस किया जा रहा है। और इस पर जो है कि कई रिसर्च किए गए हैं, कई जर्नल प्रकाशित हुए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि हिमालय जो पहले एक लेयर के रूप में हुआ करता था, अब उसमें कई दरार बन रहे हैं, और ये जो दरार हैं इस पर क्या हो रहा है, रगड़ की वजह से या दरारों का विस्तार की वजह से क्या हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। कैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो मोबाइल है उस पर जो कांच लगा हुआ है उस पर पहले एक दरार थी, लेकिन बार बार क्या है उस मोबाइल पर झटके लग रहे हैं नीचे से, तो उससे क्या होगा, उसमें कई दरारें बनती जा रही। अब जैसे जैसे दरार क्या होगी, फैलेगी, या जैसे जैसे उन दरारों पर अधिक झटके लगेंगे तो जो दरार है वो खाई के रूप में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो कई ऐसे जो है कि थ्रस्ट देखे गए हैं, दरारी क्षेत्र देखे जा रहे हैं हिमालय वाले क्षेत्रों में। और चूंकि जो दरारों का निर्माण हो रहा है यह बताता है कि हिमालय में अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, दरारों का निर्माण यह बता रहा है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे। क्योंकि दरार का मतलब होना किसी लेयर का क्या होना, टूटना, जो जब कोई चीज टूटेगी तो स्वाभाविक भूकंप तो आएगा ही। इसके अलावा जो भ्रंश हैं, जो घाटी क्षेत्र हैं, जैसे आपने काठमांडू की घाटी सुनी होगी, जम्मू कश्मीर की घाटी सुनी होगी, कुल्लू कांगड़ा, तो ये जो घाटी वाले क्षेत्र थे ना, इन घाटी वाले क्षेत्रों में क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी मतलब ये है कि नीचे पृथ्वी के नीचे वहाँ पर कुछ ऐसे फोर्स जनरेट हो रहे हैं जिसके वजह से भूकंप आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो घाटी वाला नदी घाटी का क्षेत्र है, और जो डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पर क्या हुआ है, अवसाद बहुत ज्यादा है, और यह जो अवसाद है नीचे की ओर धस रहा है। अब एक चीज नीचे की ओर धस रही है और हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। इसके अलावा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है उसमें भी दरार बनते जा रहे हैं, तो दरार जो बन रहे हैं उसमें मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई तनाव बल कार्य कर रहा है। कैसे समझिए, जैसे प्लास्टिक की कोई चीज है उसको आप खींचते रहें तो खींचते खींचते कोई ना कोई ऐसा लेयर आए, कोई ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद दरार बनेगा। तो दरअसल ये तो दरार बनेगा किसी न किसी चीज लेयर के टूटने से बनेगा। तो अभी देखा जा रहा है कि जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहां पर भी दरार बन रहे हैं, और ये दरार कैसे बन रहा है कि दरअसल क्या हो रहा है, इंडिया की प्लेट नीचे की ओर तिरछे होकर दूसरे प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है और इसकी वजह से दरार बन रहे हैं। इसके अलावा जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और सब चीजों के अलावा बढ़ती जनसंख्या, हमने बहुत चेंज किए हैं, पर्वतों को काटा है, मलवा कहीं पर गिरा दिया है, उसका सही से हमने विकास नहीं किया, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि वहां पर दरारों का निर्माण हो रहा है, उसका जो भू संतुलन था वह बिगड़ रहा है। साथ ही साथ यह जो अवसाद एकत्रित हुआ है, यह जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र यह नीचे की ओर जा रहा है, हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, साथ ही साथ जो घाटी वाले क्षेत्र हैं उसमें दरारों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो दरारों का निर्माण है ये इंडिकेट करता है कि भविष्य में आने वाले समय में अगर यह दरार टूटे या यह चौड़े हुए तो बहुत तीव्र गति के भूकंप आ सकते हैं। तो आने वाले समय में अधिकांश लोगों का मानना है कि हिमालय के पास वाले क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति के भूकंप देखे जा सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे संक्षेप में इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू सो मच।